दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से SX स्टॉक के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप इस स्टॉक के अंदर बेसिकली पोजिशनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करके जाओगे तो इस स्टॉक पे बहुत बड़ा मुनाफा हमको मिल सकता है, ये स्टॉक हमको मालामाल बना सकता है। तो किसी लेवल के आसपास हमको इस स्टॉक पे एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, क्यों एंट्री करना है, ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमको इस पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, और मैंने प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी इस स्टॉक का करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये स्टॉक का नाम है इजी माइंड ट्रिप। तो देखिए ये NSE एंड BSE दोनों एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, और ये स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, देखो यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, और ये स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है करेंट प्राइस देखो 34 रुपीज के आसपास करेंट प्राइस इसी लेवल के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये स्टॉक बेसिकली देखो ये ट्रैवल कंपनी है, मतलब इस स्टॉक को यूज करके हम हमारा जो टिकट वगैरह फ्लाइट टिकट वगैरह होटल टिकट वगैरह ये सारी चीजें इस पे बुक करते हैं। स्टॉक का मार्केट कैप अराउंड 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। करेंट वैल्यू देखो 34.3 के आसपास चल रहा है। स्टॉक देखो 52 वीक्स जो हाई बनाया था 54 के आसपास, और ये देखो 52 वीक लो के आसपास आ गया है, और इसी लेवल के आसपास अगर आप इस पे ये स्टॉक को कैप्चर करना चाहते हो तो ये काफ़ी बड़ा रिटर्न हमको जनरेट करके दे सकता है। अभी देखो 31.6 के आसपास आया था, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है, 34.3 लेवल के आसपास ये चल रहा है। जो प्राइस टू अर्निंग लोग इस पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग जनरली 30% के आसपास सालाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखो इतना बड़ा हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन ये स्टॉक जनरली जनरेट करके दे देता है 30% के आसपास, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 31% के आसपास है। पेग रेशियो अगर देखोगे पेग रेशियो 0.62 के आसपास है, तो पेग रेशियो मतलब जो स्टॉक का पेग रेशियो 0 to 1 के अंदर रहता है वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होते हैं। तो ये स्टॉक का जो प्राइस है, जो पेग रेशियो है, ये 6-2 लेवल के आसपास इस पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक सिंपल फंडा सिंपल फार्मूला मैंने आप लोगों के साथ लास्ट पे शेयर करूंगा कि ये पेग रेशियो को लेके हम किसी स्टॉक का जो फ्यूचर प्राइस कितना होगा कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप पहले मैंने इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे बता दे रहा हूँ, ये नोट करके जाइएगा। पेग रेशियो को यूज करके हम ये जो करेंट प्राइस है, ये करेंट प्राइस के हिसाब से और पेग रेशियो को यूज करके हम फ्यूचर पे ये प्राइस कितना हो सकता है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और देखो ये इजी माई ट्रिप के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये देखो ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल इंडिया के अंदर। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर आप इस पे 5 ईयर का डाटा के हिसाब से देख रहे हो तो देखो ये लोअर लेवल से स्टॉक देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आने के बाद ये देखो सस्टेन कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ जा रहा है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहते हैं, उसी स्टॉक पे हमको एंट्री करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन जो स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज के अंदर थोड़ा ऊपर आने के बाद एक साइडवाइज मूवमेंट देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाता है, तो उस टाइप का कंपनी अगर आप देखोगे हमको एक डिसेंट इनकम मिल जाता है। और ये लेवल के आसपास देखो उसका पॉजिटिव कुछ है, कंपनी डेट फ्री है, और इस पे इसका डेट जो है ये धीरे धीरे कम भी कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है, और ये 5 ईयर का जो CAGR है 49% के आसपास ये कंपनी रिटर्न दे रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 3 ईयर का रिकॉर्ड इस पे ये सेट किया है, 40% के आसपास ये जनरली रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इस पे कुछ डिसएडवांटेज है तो ये बोल रहा है कि बुक वैल्यू के हिसाब से 9.25 times ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ठीक है ये मैनेज हो जाएगा। कंपनी अगर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है तो इस पे प्रॉपर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल जाता है। और ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर उनका जो होल्डिंग वो थोड़ा सा डिक्रीज किए हैं। तो देखो प्रमोटर होल्डिंग जो है जनरली वो 50-60% के आसपास अगर प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो वो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है कि जिस कंपनी जो ओनर होता है वो कितना परसेंटेज वो स्टॉक को होल्ड किया है, क्योंकि देखो अगर आपका खुद की कंपनी के ऊपर बिलीव होगा तभी आप आपकी जो स्टॉक है उसको होल्ड रखोगे। तो देखो प्रमोटर यहाँ पे 10% के आसपास उसका जो स्टेक है वो सेल किया है, लेकिन फिर भी मैंने ये लेवल के आसपास एक बार चेक करके आपको बता दे रहा हूँ प्रमोटर होल्डिंग अभी कितना है।
तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग अभी ये लेवल के आसपास 64% से ज़्यादा है, तो जनरली 50% के ऊपर भी अगर प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो काफ़ी अच्छा कंपनी माना जाता है। तो ये 64.3% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग इस पर अभी भी है, और ये लेवल के आसपास इसका कुछ कॉम्पिटिटर यहाँ पे देखो हमको दिखा रहा है, यात्रा ऑनलाइन हो गया, TBO टेक हो गया, तो ये कुछ यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि उसका कोई कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पे है। मैंने एक बार पेग रेशियो के यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि हमको पता चलेगा कि पेग रेशियो के हिसाब से ये जो कंपनी है बाकी कंपनी के हिसाब से कैसे काम दे रहा है। ये देखो मैंने पेग रेशियो यहाँ पे ऐड कर लिया, सेव कर लिया इस पर। तो देखो पेग रेशियो के हिसाब से अगर आप देखोगे इजी माई ट्रिप, देखो जो पेग रेशियो है 0.62 के आसपास है, तो बाकी जो कंपनी है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि हमारा जो पेग रेशियो होता है अगर पेग रेशियो 0 to 1 के अंदर रहता है तो वो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, और अगर 1 से ऊपर की तरफ 1 से 2 के आसपास अगर ये रहेगा तो ये ओके ओके कंपनी हम उसको मान के चलेंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है या 0 से नीचे की तरफ आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो फिर वो कंपनी के अंदर कुछ तो उस पे हमको खराबी देखने के लिए मिलेगा, वो कंपनी थोड़ा फंडामेंटली वीक हो जाएगा। तो देखो ये लेवल के आसपास आप देखोगे जिसका पेग रेशियो दिखा भी नहीं रहा है, ये जनरली नेगेटिव हो जाने के बाद पेग रेशियो दिखाता नहीं है। तो ये जो सारे कंपनी यहाँ पे है इसी सारे कंपनी के अंदर इसका जो कॉम्पिटिटर है उसके अंदर ये इजी माई ट्रिप जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी जो सेक्टर है बाकी जो कंपनी है ये यहाँ पे पेग रेशियो के हिसाब से हमको देखने के लिए मिल रहा है उतना ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। और ये लेवल के आसपास अगर आप उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे, जनरली हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2-3 साल पुराना कि 4 साल पुराना हमको देखना चाहिए। तो ये लेवल के आसपास 2024 लेवल के आसपास ये देखो ये लेवल के आसपास आप देखोगे ये 220 करोड़ के आसपास ये जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है ये करोड़ के वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, तो 220 करोड़ के आसपास यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। और जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं ये बेसिकली 2025 पे 229 करोड़ के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपेंसेस है और हमारा जो सेल्स है, अगर हमारा सेल्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो जो वैल्यू बच जाता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो एक्सपेंसेस जनरली हम किसको बोलते हैं, अगर हम किसी एरिया के आसपास न्यू ऑफिसेस वगैरह ले रहे हैं, न्यू एम्प्लॉय वगैरह रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा खर्चा सारे हो रहा है तो वो बेसिकली एक्सपेंसेस पे जाएगा। लेकिन जो अर्निंग हमको मिल रहा है, अगर वो अर्निंग अच्छा खासा अर्निंग हमको मिल जा रहा है और वो अर्निंग हमारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये लेवल के आसपास आप देखोगे, ये देखो 2020 के बाद ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, 13 करोड़ से 76 करोड़ के आसपास आ गया था 2020 से 21 के आसपास, उसके बाद देखो 22 के आसपास ये डबल के आसपास हो गया, और ये लेवल के आसपास ये देखो 50% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। 2023 से 24 ये लेवल के आसपास 10% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, और ये लेवल के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 5-10% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2025 के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। और देखो नेट प्रॉफिट भी और एक चीज़ है जो हमको देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट और ECS। जनरली नेट प्रॉफिट अगर हम चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी देखो यहाँ पे ये 2020 के बाद ये देखो 35 करोड़ से 62 करोड़ आ गया, लगभग डबल हो गया। फिर 62 करोड़ से ये 107 करोड़ के आसपास ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास 40-50% के आसपास सॉरी 50-60% के आसपास यहाँ पे हमको रिटर्न देखने के लिए मिला है। और उसके बाद ये लेवल से 107 से 140 के आसपास आ गया, ये 40% का ग्रोथ हमको सालाना देखने के लिए मिला है। और ये 2024 पे थोड़ा ये ग्रोथ नीचे की तरफ जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम आया है, लेकिन उसके बाद ये 2025 पे ये देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट थोड़ा 2024 पे थोड़ा नीचे की तरफ आया था इसीलिए ये स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट के हिसाब से इस पर किससे फर्क पड़ा है। तो देखो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ये लेवल के आसपास अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो देखो 10 ईयर का जो रिटर्न है ये 41% के आसपास लगभग ये देखो और अच्छा खासा रिटर्न इस पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट ईयर भी 32% के आसपास रिटर्न हमको इस पर देखने के लिए मिल रहा है। और देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे प्रमोटर के पास अभी अभी 64% के आसपास ये शेयर है, और FIA के पास 2% के आसपास, DIA के पास 2.45% के आसपास, और पब्लिक के पास 30% के आसपास ये शेयर है।
तो देखो शेयर फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक मूवमेंट दे रहा है। और ये लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि नेक्स्ट जो टारगेट हमको मिलने वाला है कितना ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। उससे पहले मैं एक बार टेक्निकल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो टेक्निकल के हिसाब से मैंने यहाँ पे EGMI स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, और ये मैंने पहले मंथली चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखो मंथली चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक देखेंगे, ये अराउंड जब लिस्ट हुआ था 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ के आसपास था, तो इसी लेवल के आसपास अगर किसी ने ये स्टॉक को होल्ड किए हैं तो ये देखो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न उनको ऑलरेडी ये जनरेट करके दे दिया है। तो स्टॉक देखो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़ा बहुत इस पर प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर रिट्रेस होने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है। तो ये ऊपर लेवल के आसपास अगर हम देखेंगे, देखो स्टॉक अराउंड ये 68 के आसपास आने के बाद इसी लेवल से थोड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला था, और ये अराउंड जनवरी फरवरी महीना के आसपास आने के बाद 2023 से ये देखो वापस ये ऊपर की तरफ आ रहा था, और अभी इसी लेवल से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। लेकिन देखो ये जिस लेवल के आसपास अभी आके ट्रेड कर रहा है वो एक बेस का लेवल है, ये लेवल जनरली ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ये लेवल देखिए, ये पहले भी 2021 लेवल के आसपास इसी लेवल के आसपास पूरा एक बेस बनाया था, उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया था, और ये अभी भी इसी लेवल के आसपास 31.6 के आसपास आने के बाद इसी लेवल के आसपास ये देखो होल्ड कर रहा है। और ये जो पैटर्न अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है ये प्रॉपर एक ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न इसी लेवल के आसपास फॉर्म कर रहा है। तो ज़्यादातर सिनेरियो रहेगा इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमको मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टॉक के ऊपर हमको किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है और कितना टारगेट लेके जाएंगे वो टारगेट का फॉर्मूला मैंने आपके साथ बताने वाला हूँ। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, टेक्निकल के हिसाब से हम अगर इसी लेवल के आसपास बाई करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा ये 50 लेवल के आसपास, क्योंकि इसी लेवल के आसपास हमको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास बेसिकली टारगेट रहेगा, और ये 50 लेवल ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आएगा ये 70 के आसपास। लेकिन अभी अगर हम ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे, ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करके बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक को वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हो तो आप इसको कैसे फॉलो करके जा सकते हो। देखिए आप जो भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हो, ब्लाइंडली ऐसे नहीं कि हम उसी स्टॉक को ऐसे छोड़ देंगे, वो स्टॉक जितना भी नीचे जाएगा हम उसको ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे बेसिकली इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं किया जाता है। भले ही आप पोजिशनल ट्रेड ही करो, आप 2 से 3 महीना भले ही इन्वेस्टमेंट करके जाओ, लेकिन आप ब्लाइंडली इस स्टॉक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऐसे भी होता है जो कि आप 1000 रुपीज़ का स्टॉक होगा लेकिन 1-2 साल के अंदर वो स्टॉक 100 रुपीज़ को भी आ जाएगा, 0 को भी चला जा सकता है। इसीलिए हम ब्लाइंडली इस स्टॉक को छोड़ नहीं सकते, हमको जो भी पोजिशन लेना है प्रॉपर रूल के हिसाब से जाके हमको पोजिशन को लेके हमको होल्ड रखना है। आप पोजिशनल ट्रेड लेके जाओ या लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके जाओ, इन्वेस्टिंग करके जाओ, ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो देखो ये लेवल के आसपास आप स्टडीज़ के अंदर जाओगे, स्टडीज़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक बार सुपर ट्रेंड को ऐड कर रहा हूँ। ये एक सिंपल फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सुपर ट्रेंड का जो प्राइस होगा, ये देखो यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ हो गया लेकिन ये पीरियड और जो मल्टीप्लायर है ये दोनों को हमको प्रॉपरली चेक करना है। तो जो पीरियड है उसको चेंज करके 10 सेट कर देना है, और जो मल्टीप्लायर है उसको चेंज करके 2 को सेट कर देना है। तो अभी देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हो गया, अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करके जाना चाहते हो तो इसी स्टॉक के अंदर आपको देखना है कि ये वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से जो क्लोजिंग आ रहा है, जब भी ये ट्रेंड लाइन से, सुपर ट्रेंड लाइन से जब भी ये ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग देता है तो अभी आपको इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना है और इसको आपको प्रॉपरली होल्ड करके जाना है। तो देखो ये लेवल के आसपास एग्जांपल के हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो बाइंग आया था ये लेवल के आसपास, देखो बाइंग आया था 10-11 रुपीज़ के आसपास आपका बाइंग आया था। उसके बाद आप देखोगे वीकली बेसिस पे ये देखो कभी भी रेड फॉर्म नहीं किया है। तो इसीलिए आपको एक हफ्ते में एक ही बार ही देखना है, आप सिर्फ फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज होने वाला होता है उसी टाइम पे आप एक बार चेक कर लोगे कि फ्राइडे को ये जो सुपर ट्रेंड का लाइन है ये रेड बना हुआ है या ग्रीन बना हुआ है। अगर ये ग्रीन बना हुआ है तो आप इसको होल्ड रख सकते हो। तो देखिए 10-11 रुपीज़ के आसपास जो बुक बाइंग किए होंगे, ये देखो इसी लेवल के आसपास
ये विद इन कुछ महीना के अंदर, जनरली 1 साल 1.5 साल के अंदर ये देखो ये स्टॉक 45 के आसपास आ गया था। तो जो रिटर्न है 400% का रिटर्न 1 से 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक जनरेट करके दिया, और इसी लेवल के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके बैठ गए हो। उसके बाद देखो ये स्टॉक इसी लेवल से काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ भी आया है। तो इसीलिए हमको वेट करना है, जब इस सुपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा उसके बाद हम इस पर पोजिशन लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल के आसपास आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क अगर इसी लेवल के आसपास लोगे, ये स्विंग लो के आसपास आपका स्टॉप लॉस रख के आप इस पे रिस्क लेके जा सकते हो। लेकिन बेटर होगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्टॉक के अंदर ये सुपर ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक करके वीकली बेसिस पे आके क्लोजिंग हो जाता है ऊपर की तरफ, तो अभी आप इस पे पोजिशन लेके जा सकते हो। और देखिए दोस्तों, इसी स्टॉक के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे, हमारा टारगेट कैसे रहेगा, टारगेट हम कैसे सेट करके जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसी स्टॉक के अंदर ये जो पेग रेशियो का प्राइस है और जो करेंट प्राइस है, इसके बेसिस पे मैंने आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ कि आप फ्यूचर जो प्राइस है कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो अभी देखिए इस पे जो प्राइस चल रहा है 34.10 लेवल के आसपास, तो आपको क्या करना है, 34.1 डिवाइड करना है ये जो पेग रेशियो का वैल्यू है 0.62 को आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, जो भी प्राइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट टारगेट प्राइस। ये देखो ये एक दिन के अंदर नहीं आता है, इसके लिए टाइम लगता है। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए, पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ये स्टॉक के अंदर 55 लेवल के आसपास हम इस पर टारगेट लेके जाएंगे। तो देखो 55 लेवल अगर आप देखोगे, ये जो टारगेट आ रहा है ये देखो इसी लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास जनरली टारगेट देखो ये बन रहा है। और ये टेक्निकल के हिसाब से भी देखोगे, देखो टेक्निकल के हिसाब से एक डबल टॉप का लेवल भी है। तो ये फंडामेंटल के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से जो टारगेट अभी बन रहा है, टारगेट अराउंड 55 लेवल के आसपास। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जाते हो, बेसिकली आप इस पे 6 से 8 महीना के आसपास अगर आप इस पे टारगेट लेके जा रहे हो, तो ये टारगेट जो हम इस पे लेके जाएंगे ये अराउंड 55 लेवल के आसपास आपका जो कैपिटल है, कैपिटल ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो जाएगा। आपको 60-70% के आसपास आराम से इस स्टॉक के अंदर रिटर्न मिल सकता है। और देखो ऐसे फंडामेंटल कंपनी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करके जाते हो, तो ये जो पेग रेशियो उसका जो प्रॉफिट और थोड़ा इंक्रीज होगा, जो पेग रेशियो कम हो जाएगा, ये जो शेयर का प्राइस है ये और तेज़ी से भी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अभी जो टारगेट है, फास्ट जो टारगेट हम इसी लेवल के आसपास लेके जाएंगे 55 लेवल के आसपास। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने इजी माई ट्रिप स्टॉक के ऊपर प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको इसी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जो नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल पर शेयर कीजिए, ताकि जिन लोग एजीमाई ट्रिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।